सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम सेट 33 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, और उसके बाद के क्वेश्चंस मुझे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगे, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अभी हम कर रहे हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट 34। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20, यानी 1 से लेके 20 तक जो भी प्राइम नंबर्स है वो आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। मैं एक एक समझा रहा हूँ, डोंट वरी। 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 1 और 20 के बीच में मुझे नंबर ढूंढने हैं। तो 1 से शुरू करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 के टेबल में आता है तो वो प्राइम नंबर है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में, आई मीन 2 जो नंबर है वो 1 के टेबल में आता है, यस 2 1 ज़ा 2, इसलिए वो भी प्राइम नंबर है। 2 के बाद आता है 3, 3 1 ज़ा 3, प्राइम नंबर है। अब मैंने 4 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 4 1 ज़ा 4 तो सही है, लेकिन 2 2 ज़ा 4 भी होता है। इसका मतलब क्या, जो 4 नंबर है वो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए उसको प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट, ये वर्ड देख लो यहाँ पे, कंपोजिट, ठीक है, वो अगला सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और दूसरे नंबर्स के टेबल में नहीं आता। 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए 6 नहीं लिखेंगे, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 7 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो 8 दूसरे नंबर के टेबल्स में भी आता है। 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है। 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 5 ज़ा 10, 10 जो नंबर है वो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 1 से लेकर 20 तक सब करना है। जब आप ध्यान से देखोगे, वो नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 7 11 17 19, ये सारे नंबर्स सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और दूसरे नंबर के टेबल्स में नहीं आते, इसलिए उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसका दूसरा होता है कंपोजिट नंबर्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स मतलब क्या, जो 1 के टेबल में भी आता है और दूसरे नंबर्स के टेबल में भी आता है। शुरू करते हैं 21 से, क्योंकि पहला नंबर 21 है, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। जो 21 नंबर है वो 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। 22 क्यों लिखा, क्योंकि 11 2 ज़ा 22, मतलब 22 11 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है, दूसरे नंबर्स के टेबल में आ रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर। 23 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर हो गया। 24 क्यों लिखा, 12 2 ज़ा 24, मतलब 24 12 के टेबल में आ रहा है, इसलिए लिखा। 25 क्यों लिखा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 के टेबल में आता है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। 26 क्यों लिखा, 13 2 ज़ा 26, मतलब 26 नंबर जो है वो 13 के टेबल में आ रहा है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। 27 क्यों लिखा, 3 9 ज़ा 27, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। 28 क्यों लिखा, 14 2 ज़ा 28, 14 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 29 होना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा 29, क्योंकि 29 नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 29 1 ज़ा 29, या फिर यू कहो 1 29 ज़ा 29, 29 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, ठीक है, इसलिए 29 नहीं लिखा। फिर 30 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, बहुत सारे नंबर्स के टेबल में आता है। ऐसे ही हमें 21 से लेकर 50 तक करना है, मैंने आपके लिए करके दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्टार मार्क किया है, आप देख सकते हो स्टार मार्क किया, क्यों, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ध्यान से देखना, विच ऑफ द प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स, मतलब वो नंबर कौन सा है जो प्राइम भी है, यानी सिर्फ 1 के टेबल में आता है और इवन नंबर भी है। आपको पता ना इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो इतना सिर्फ याद रखो, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, ठीक है, जो इवन भी है और
प्राइम भी है। आप देख सकते हो इवन नंबर 2 है ना, मैंने कहा ना 2, 4, 6, 8, तो 2 इवन नंबर है और वो प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर यानी वो सिर्फ 1 के टेबल में जाता है, 1 2 2, या ऐसा कहो 2 1 2, बस 1 के साथ जाता है वो और किसी नंबर के टेबल में नहीं जाता है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, इवन प्राइम नंबर दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो है 2, ठीक है। टेक केयर।